नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमेंद्र प्रताप सिंह एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूं एक और नई वीडियो में एक और नया टॉपिक लेके। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाइपरथायरॉयडिज्म होता क्या है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया कि थायरॉयड होता कैसे है और इसके कारणों में क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को परेशान करती हैं। उसके बाद हमने उसके टाइप के बारे में भी डिस्कस किया कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है। वो मेरी लास्ट वीडियो हाइपोथायरॉयडिज्म पे ही थी। तो अब आज हम डिस्कस करेंगे कि ये हाइपरथायरॉयडिज्म क्या परेशानियां पैदा करता है और इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है या कैसे एक पेशेंट अपने अंदर इसको आइडेंटिफाई कर सकता है। तो यहाँ हम बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक को लेके और डिस्कस करते हैं इन सभी चीज़ों को। लेकिन इससे पहले आपको बने रहना होगा मेरी वीडियो में अंत तक और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना होगा। तो हाइपरथायरॉयडिज्म वो कंडीशन होती है जहाँ थायरॉयड अपने हार्मोनल सिक्रेशंस को एक्सेसिव सिक्रेट करने लगता है। जी हाँ, हाइपर एक्टिव थायरॉयड की कंडीशन को ही हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। और इस कंडीशन की वजह से होने वाले सिम्टम फीमेल्स और फीमेल्स में, बच्चों में बहुत ज़्यादा एब्रप्ट या बहुत ग्रेजुअली भी देखने को मिल सकते हैं आपको। इन सभी सिम्टम्स की वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा भयावह तरीके से परेशान भी हो सकता है और उसको जीवन भर इन कंडीशंस के बीच कोई परेशानी हो सकता है। कभी आइडेंटिफिकेशन का भी मौका ना लगे, इतना मिनिमल लेवल पे भी ये इफेक्ट डाल सकता है। जी हाँ, तो यहाँ हम बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स इसमें डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि पेशेंट को गोइटर की कंडीशन हो सकती है, यानी कि उसकी नेक एरिया में कोई स्वेलिंग अगर दिख रही है तो इस स्वेलिंग का कारण हाइपर थायरॉयडिज्म हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को ट्विचिंग एंड ट्रेवलिंग बहुत ज़्यादा रहती है, हाथ पैर कांपते हैं, हड़कन और फड़कन बनी रहती है। तो इन सिम्टम्स के साथ हम बात करें तो हाइपर हाइड्रोसिस भी उन केसेस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। कुछ पेशेंट्स में हाथ पैरों का गर्म रहना या जलन फील होना, ड्राइनेस के साथ बहुत ज़्यादा एग्रेवेटिव इरिटेशन स्किन में बहुत ज़्यादा बनी रहती है। तो पेशेंट ये सभी कंप्लेंट बहुत कॉमनली इंडिकेट जरूर करेगा। यहाँ हम बात करें कि स्किन में और क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो उसको अर्टिकेरियल रैशेस बहुत कॉमन हो जाते हैं। जी हाँ, हाइव्स के अलावा उसको बहुत ज़्यादा कोल्डनेस और क्लैमीनेस के साथ साथ नंबनेस भी एक्सट्रीमिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा फील हो सकती है। और वीकनेस तो इसका बहुत ही मार्क्ड सिम्टम है। पेशेंट हमेशा ही कमजोरी के सिम्टम्स बताता है, बहुत ज़्यादा क्षीणता के साथ वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती है। थोड़ा भी काम करने के बाद एकदम शरीर बिल्कुल लथार्जिक हो जाता है। पेशेंट के नाखून भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, बीच बीच में टूट भी जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, और इसी के साथ साथ हथेलियाँ भी लाल रहने लगती हैं। इसके अलावा सिम्टम्स के बारे में बात करें तो वो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस के साथ मूड स्विंग्स के सिम्टम भी बहुत कॉमनली एग्जिबिट करते हैं सिम्टम्स। यहाँ हार्मोनल एक्सचेंजेस की वजह से ये तो होना बहुत लाजमी है, क्योंकि बहुत स्पेसिफिकली बॉडी अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने के लिए इन तरह के एग्रेवेटिव सिम्टम्स जरूर शो करती है। इसी के साथ साथ रोगी को नींद की बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, रात को रेस्टलेसनेस के साथ साथ नींद आती ही नहीं है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा प्यास ज़्यादा बढ़ जाती है, स्टूल की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाती है, उनको बॉवल इनर्शिया इतना ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है कि उनको दिन भर में 5 से 7 बार 8 बार बहुत इजीली बॉवल मूवमेंट्स आने लगते हैं। और इसी के साथ साथ यूरिन की फ्रिक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। छोटे बच्चों में अगर इस तरह के सिम्टम्स हों तो उनके केसेस में देखा जाता है कि हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रेस्टलेसनेस और एंजाइटी के साथ साथ क्यूरियोसिटी ये बहुत इजीली एग्जिबिट करते हैं, और उसी के साथ साथ एक जगह बैठने में उनको बहुत परेशानी होती है। बच्चे एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह चीज़ों को छेड़ना, ये बहुत ईजिली एग्जिबिट करेंगे सिम्टम्स। और इसी के साथ साथ मेल्स पेशेंट्स में लो लिबिडो के सिम्टम्स भी काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं, अगर हाइपर थायरॉयडिज्म से वो पेशेंट होकर गुजर रहा है तो। हाइपरथायरॉयडिज्म के कारणों के बारे में बात करें तो यहाँ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी इसका बहुत मुख्य कारण है, जैसे कि ग्रेव्स डिजीज़। यहाँ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में अपने नए व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ कि ये वो डिसऑर्डर होते हैं जहाँ बॉडी अपने सेल्स और फॉरेन सेल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करना भूल जाती है, तो यहाँ वो अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो ऐसे ही ग्रेव्स डिजीज़ में बॉडी अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करके थायरॉयड की सिक्रीशन को बहुत ज़्यादा एग्जिबिट कर देती है और हाइपरथायरॉयडिज्म क्रिएट हो जाता है। तो अगले कारण के बारे में बात करें तो इसमें गोइटर या फिर नोड्यूलर ग्रोथ ओवर द थायरॉयड बहुत कॉमनली देखे जाते हैं इन कारणों में, और इसकी वजह से थायरॉयड ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सिक्रीट करने लगती है थायरॉयड हॉर्मोन्स को। तो इसके अलावा थायरॉयडाइटिस, थायरॉयडाइटिस में जैसे फीमेल्स में जो पोस्टमार्टम कंडीशन से होकर गुजर रही हैं तो उनमें कुछ हार्मोनल एक्सचेंजेस की वजह से या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की वजह से भी ये कारण देखे गए हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म बढ़ जाता है।
कई बार बहुत ज्यादा मेडिकेशन की वजह से भी हाइपरथायरॉयडिज्म होता हुआ देखा गया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि मेरे पास पेशेंट्स भी आते हैं जो हाइपोथायरॉयडिज्म से होके गुजर रहे थे और कई बार उनकी मेडिसिन की ओवरडोज की वजह से भी उनको हाइपरथायरॉयडिज्म क्रिएट होता हुआ मैंने देखा है। तो यहाँ थायरॉयड हार्मोन अगर कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है तो आपको सलाह लेनी होगी, प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको उस डोज की आपके वेट के अनुसार कितनी ज़रूरत है। तो अगर उससे ऊपर निकल रही तो आपको अपनी डोज कम कराने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ कई बार ये कंडीशन हाइपर पिट्यूटरीज्म में भी देखी गई है। पिट्यूटरी अगर अपना काम कुछ ज़्यादा करने लगे या किसी कंडीशन या कारणवश वो एक्सेसिव सिक्रीट करने लगे थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एग्रीवेट करने के लिए, थायरॉयड रिलीजिंग हार्मोन, तो भी ये कंडीशन बढ़ सकती है कि हाइपर थायरॉयडिज्म उस पेशेंट में क्रिएट हो जाए। अगले कारण के बारे में बात करें तो हाशीटॉक्सिकोसिस भी इसका बहुत कॉमन कारण है कि हाइपर थायरॉयडिज्म किसी पेशेंट को अगर क्रिएट हुआ है। यहाँ हाशीटॉक्सिकोसिस हम किस कंडीशन को बोलेंगे, मैंने पिछली वीडियो में बात किया था कि हाइपोथायरॉयडिज्म में हाशीमोटोज डिजीज थायरॉयडिज्म क्रिएट करता है। तो कई बार हाशीमोटोज डिजीज की वजह से, थायरॉयडाइटिस क्रिएट होने की वजह से, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ थायरॉयड हार्मोन की वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म क्रिएट हो जाता है। जेनेटिक्स भी इसका एक कारण है। यहाँ अनुवांशिक रूप से आप अगर पैटर्नल या मैटर्नल लेवल पे आपके कहीं फैमिली में किसी को ये हाइपरथायरॉयडिज्म है तो ये आगे अनुवांशिक रूप से आपको मिल सकता है। आगे हम बात करें कि यहाँ आपको डाइट में क्या क्या मैनेजमेंट करना है या क्या रिजीम आपको फॉलो करना है। तो पहले हम बात करते हैं कि आपको अवॉइड क्या करना होगा। यहाँ आपको आयोडीन रिच डाइट को इस्तेमाल कम करना होगा, क्योंकि मैंने देखा है कुछ हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स में जिनको नमक का इस्तेमाल ज़्यादा पसंद है उनको और ज़्यादा परेशानियाँ या कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगती हैं इसकी वजह से। इसी के साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या फिर कैफीन बेस्ड डाइट भी कम लेनी होगी और इसके साथ साथ होल ग्रेन आटे का ही इस्तेमाल करें। आजकल बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ कि न्यूट्रिएंट बेस्ड फ्लावर बहुत ज़्यादा चल गए हैं, तो वो फोर्टिफाइड चीज़ें आप कम कीजिए और होल ग्रेन डाइट ज़्यादा अच्छे से लेने की कोशिश करें। और यहाँ हम बात करें कि उनको मीठा इस्तेमाल क्या क्या नहीं करना है, तो शुगर डाइट में एज अ होल ही अवॉइड करूँगा। मीठा थायरॉयड के पेशेंट के लिए जहर के रूप में है, बहुत ज़्यादा मीठा खाने से उनको हाइपर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के साथ साथ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कंडीशंस भी पैदा होने लगती हैं, तो अवॉइड ही करें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एलर्जेनिक फूड्स भी अवॉइड करें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस कंडीशन को बढ़ाती हैं। इसी के साथ साथ हाइपर थायरॉयडिज्म में वो ग्रेव्स डिजीज़ भी एग्रीवेट कर सकता है, तो अवॉइड ही कीजिए। यहाँ हम बैंगन, गोभी और बहुत ज़्यादा बाधी चीज़ों का इस्तेमाल भी आपको कम करने के लिए बोलेंगे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हाइड्रोजिनेटेड ऑयल भी आप कम यूज़ करें, जैसे डालडा हो गया, रिफाइंड का इस्तेमाल हो गया, आपको कम करना ही होगा। और इसके साथ साथ स्पाइसेस और बहुत ज़्यादा तला भुना खान पान भी आपको कम इस्तेमाल करना है। आपको रेड मीट का इस्तेमाल भी कम करना होगा, क्योंकि ये हाई कंटेंट ऑफ शुगर रखता है, इससे भी परेशानियां बढ़ती हैं और इसी के साथ साथ इसमें कोलेस्ट्रॉल कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट के लिए वो भी नुकसानदायक है। यहाँ हम डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा मीठा तो मैं मना कर ही चुका हूँ और लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से भी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं, तो दूध या फिर दही, किसी भी तरह की दही से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल भी मना है और अल्कोहल का इस्तेमाल भी पेशेंट को कम करना होगा। हाइपरथायरॉयडिज्म की डाइट के बारे में अगर बात करें तो पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है और उसको न्यूट्रिशनल लॉस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रोटीन के लॉसेस इसमें बढ़ जाते हैं, तो उसको हाई प्रोटीन डाइट जरूर लेनी चाहिए। मिनरल और विटामिन रिच डाइट लेनी चाहिए, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और इसके साथ साथ विटामिन सी की मात्रा भी थोड़ी बढ़ा के रखनी चाहिए। यहाँ हम फलों की बात करें जो इसको कंटेन करते हैं, तो पपाया, मैंगो या फिर स्किम्ड मिल्क भी पेशेंट ले सकता है। इसी के साथ साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सैलड्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित करके मूंग की दाल या चने का इस्तेमाल भी पेशेंट्स कर सकते हैं। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर रिच डाइट के बारे में बात करें तो यहाँ फिश या फिर एग भी आप इंक्लूड कर सकते हैं डाइट में। पेशेंट को कैल्शियम और फॉस्फोरस डाइट भी बढ़ा लेनी चाहिए। ये सभी चीज़ें उनको मखाने या फिर अखरोट, इसके अलावा अंजीर या खजूर से भी मिल जाएगा और उसी के अलावा दालें या फिर उसके अलावा बहुत अच्छा मात्रा में फाइबर रिच डाइट भी बढ़ानी होगी।
यहाँ हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करें तो होम्योपैथी में हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए भी बहुत अच्छा उपचार उपलब्ध है, क्योंकि ये सारे ही कॉम्प्लिकेशंस को कवर करने में भी काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होती है, और इसी के साथ साथ बेसिक सिम्टम्स को कवर करके पेशेंट को बहुत ईजी रिकवरी भी दे देती है। तो यहाँ हम पहली दवाई के बारे में बात करें तो नेट्रम्यूरियाटिकम इसमें बहुत अच्छी और लाभकारी दवाई है। इस दवाई को पेशेंट तब ले सकता है जब बहुत ज़्यादा क्षीणताओं के साथ साथ वीकनेस, लीन थिन बॉडी हो जाए और बहुत ज़्यादा फिजिकल रिटार्डेशन उसको देखने को मिले, तो ये मेटाबॉलिक ओवर एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छी लाभकारी दवाई है। अगली दवाई के बारे में बात करें तो कल्केरिया कार्बोनिका एक बहुत अच्छी दवाई है, जब अगर पेशेंट हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ साथ थायरॉयडाइटिस से होकर गुजर रहा है। तो यहाँ हम कुछ पेनफुल कंडीशंस की भी बात करेंगे कि जॉइंट्स में अगर बहुत ज़्यादा पेन हो जाते हैं, लथार्जिक कंडीशन बढ़ जाती है, तो कल्केरिया कार्बोन सभी कंडीशंस को रिकवर करने में काफ़ी लाभकारी रहेगी। तीसरी दवाई के बारे में बात करें तो आयोडम भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है इन सभी सिम्टम्स से रिकवर करने के लिए भी, क्योंकि पेशेंट अगर हाइपर मेटाबॉलिक कंडीशन से होकर गुजर रहा है और किसी भी हार्मोनल एक्सचेंज के बिगड़ जाने की कंडीशन अगर है, तो आयोडम उस कंडीशन को रिस्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। यहाँ हम आयोडीन की टॉक्सिसिटी के बारे में भी बात करें तो ये आयोडम उस कंडीशन को भी रिकवर करके आपको नॉर्मल कर देगी। इन सभी दवाइयों से पेशेंट को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, और पेशेंट को मैं ये सजेस्ट जरूर करूंगा कि वो अपना केस टेकिंग प्रॉपरली किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से जाके जरूर करवाएं, ताकि एक प्रॉपर सिमिलिमम से उनको अच्छा लाभ देखने को जरूर मिले, और इसी के साथ साथ वो अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस भी करें, ताकि योगा और एक्सरसाइज करने से, इसके अलावा बहुत अच्छे वॉक से उनको सुदृढ़ता मिलने में भी काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। यहाँ डाइट में चेंजेस के साथ साथ वो अल्कोहल इंटेक को भी कम करें, शुगर इंटेक को भी कम करें, ये सभी बेसिक प्रिवेंशंस कर करके भी आप अपने लाइफ में आने वाले समय में हाइपरथायरॉयडिज्म के हो जाने से भी बच सकते हैं। तो यहाँ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नए वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और बने रहिए आगे मेरे वीडियोज़ के लिए। कमेंट भी करके मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं कि नहीं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, धन्यवाद।